साल भर में सबसे प्यारा होता है एक दिन, कैसे हो आप सब। मेरा नाम रणवीर चौहान, आप देख रहे हैं टेक आरसी। गाइस स्वागत है आपका हमारे साथ अदर न्यू वीडियो में। गाइस अपने वीडियो के स्टार्टिंग में एक हैप्पी बर्थडे वाला व्हाट्सएप स्टेटस वीडियो देखा होगा, तो गाइस आप उस तरह का व्हाट्सएप स्टेटस वीडियो आप अपने पिक्चर पे या किसी के भी पिक्चर पे कैसे बना सकते हो, तो गाइस वीडियो में पूरा स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं, इसलिए वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। और गाइस आपको ये वीडियो पसंद आएगी तो इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, और अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आने वाली हमारी सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए गाइस वीडियो को शुरू करते हैं। सो गाइस वीडियो बनाने के लिए डिस्क्रिप्शन में एक लिंक आपको मिल जाएगा, उस लिंक पे आप टैप कीजिएगा तो रीडायरेक्ट आपको इस पेज पे हो जाएगा। तो गाइस यहाँ पर ये पेज आपको ओपन हो रहा है, तो गाइस इस वेबसाइट को ओपन हो जाने के बाद गाइस यहाँ पर आपको कर लेना होगा अपने पिक्चर को सेलेक्ट, बुक इन बैकग्राउंड और यहाँ पर बुक कवर। तो गाइस यहाँ पर आपको जिसका पिक्चर पे वीडियो बनाना होगा तो यहाँ पर उनका पिक्चर सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो यहाँ पर आप अपलोड पर क्लिक करना है और यहाँ से वो पिक्चर को सेलेक्ट करना है। तो गाइस यहाँ से देखिए हम एक क्या करते हैं, यहाँ से हम वो पिक्चर को सेलेक्ट कर रहे हैं। तो देखिए गाइस यहाँ से हम एक पिक्चर ये सेलेक्ट कर लेते हैं जो कि ये बैकग्राउंड में चला जाएगा। तो गाइस आप यहाँ से इसको एडजस्ट करके क्रॉप जो भी करना है कर सकते हैं, तो यहाँ पर आप एडजस्ट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर पहले से मेरा एडजस्टेड है, तो यहाँ पर क्रॉप एंड कंटिन्यू पर हम क्लिक कर देंगे, ये जो पिक्चर है वो बैक वाले पे एकदम चला जाएगा जो कि दिखेगा नहीं। और दूसरा बुक कवर जो फ्रंट पे डालना, उसके लिए यहाँ पर अपलोड पे क्लिक कीजिएगा, यहाँ पर ब्राउज में जाएगा और यहाँ पर आपको जिसका पिक्चर पे आपको बनाना होगा उनका पिक्चर को यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। और गाइस यहाँ पे भी इसको आप एडजस्ट कर सकते हैं, बट यहाँ से पहले से मेरा एडजस्टेड है, उसके बाद मैं यहाँ पर क्रॉप एंड कंटिन्यू कर दूंगा। और यहाँ पर देखिए गाइस यहाँ पर हमारा जो है कि पिक्चर रेडी हो चुका है। और गाइस यहाँ पर बैकग्राउंड यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है, इसको आपको ऑफ कर देना है, और ऑफ कर दिया तो गाइस ये PNG में हो जाएगा। और इसके बाद आपको कर लेना है इसको डाउनलोड। तो देखिए गाइस हमारा एक जो है कि पिक्चर डाउनलोड हो रहा है, तो यहाँ पर कुछ टाइम लगेगा आपका पिक्चर डाउनलोड में, तो गाइस यहाँ पर थोड़ा सा आप वेट कर लीजिएगा, आपका यहाँ पर डाउनलोड का ऑप्शन आ गया। यहाँ पर देखिए गाइस पिक्चर जो है कि डाउनलोड हो रहा है। उसके बाद गाइस आपको एक ऐप को इंस्टॉल कर लेना होगा अपने प्ले स्टोर से, जिस ऐप का नाम रेसो ऐप है, जिसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, आप वहाँ जाकर इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। तो गाइस हम इसको कर लेते हैं ओपन। ओपन हो जाने बाद गाइस यहाँ पर देखिए कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाता है। तो गाइस यहाँ ये म्यूजिक वाला ऐप है। तो गाइस इसके बाद अब आपको क्या करना होगा, यहाँ पर आपको आना होगा इस यहाँ पर आप देख सकते हैं जो कि बैकग्राउंड में यहाँ पर एक पिक्चर आया है। तो गाइस आपको जिस भी मतलब जो भी आपको सॉन्ग का यहाँ पर लेना होगा लिरिक्स, तो यहाँ पर एक्सप्लोर में जाएगा, यहाँ पर सर्च बार पे जाएगा, और यहाँ पर देखिए मैंने पहले सर्च किया हैप्पी बर्थडे, उस पर मैं क्लिक कर लूँगा। तो देखिए गाइस वहाँ यहाँ पर बहुत सारा सॉन्ग आ जाएगा, तो उसमें से यहाँ से हम एक सॉन्ग को सेलेक्ट कर लेंगे। तो गाइस यहाँ पर देखिए हमारा सॉन्ग आ चुका है, अब हमें सेकंड वाला सॉन्ग को सेलेक्ट कर लेना। सेकंड सॉन्ग को हम यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे, और गाइस हम देखिए यहाँ पर सेकंड सॉन्ग सेलेक्ट हो गया। अब इसके बाद हम इसको म्यूट कर देते हैं। अब इसके बाद गाइस यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है इस वाइब को, तो वाइब पे आपको जाना है और यहाँ पर ऐड वाइब पे आपको क्लिक कर लेना है। और गाइस आपको क्या करना होगा कि एक पिक्चर को आप कैप्चर कर लीजिएगा अपने काइनमास्टर से ब्लैक बैकग्राउंड से 9:16 रेशियो का, तो हम यहाँ पर पहले से कैप्चर करके रखे, हम उसको यहाँ से ऐड कर लेते हैं। तो देखिए गाइस यहाँ पर ब्लैक स्क्रीन है। तो गाइस इसके बाद आपको कोई भी अपने स्क्रीन रिकॉर्डर ऐप से क्या करना है कि आपको इसको स्क्रीन रिकॉर्डर कर लेना होगा आपको जहाँ से चाहिए होगा। तो गाइस यहाँ से मैं इसको स्क्रीन रिकॉर्ड कर लेता हूँ। गाइज स्क्रीन रिकॉर्ड हो जाने के बाद गाइज आपको ओपन कर लेना होगा अपने काइनमास्टर ऐप को। काइनमास्टर ऐप को ओपन कर लेने के बाद गाइज यहाँ पर प्लस वाले आइकन पर क्लिक करके 9:16 रेशियो पर आपको क्लिक कर लेना होगा, और यहाँ पे आपने जो स्क्रीन रिकॉर्डर से जो स्क्रीन रिकॉर्ड किया उसको आपको यहाँ पर कर लेना होगा ऐड। तो देखिए गाइज हम उसको यहाँ से कर लेते हैं ऐड। ऐड कर लेने के बाद गाइज आपको इस पर टैप करके क्या करना है, यहाँ पर नीचे आना है, कलर फिल्टर में आना है, फिर बेसिक में आना है, और यहाँ पर ये जो B05 वाला है इस इफेक्ट को आपको ले लेना है। और उसके बाद इसका क्या करना है, आपको म्यूजिक को कर लेना है म्यूट, और इसको क्या करना है सिंपली से आपको कर लेना होगा एक्सपोर्ट। तो गाइस यहाँ पर मैं HD 720p पे इसको कर लेता हूँ एक्सपोर्ट।
सो गाइज एक्सपोर्ट हो जाने के बाद आपको क्या करना है, प्लस वाले आइकन पर क्लिक करके यहाँ पर 16:9 रेशियो का एक एमपीटी प्रोजेक्ट ओपन कर लेना है। यहाँ पर एक प्रोजेक्ट लेने के बाद गाइज आपको बैकग्राउंड में आपको जिसका पिक्चर पे आपको वीडियो बनाना होगा उनका पिक्चर को आप यहाँ पर ऐड कर लीजिए। तो गाइज हम यहाँ से वो पिक्चर को कर लेते हैं ऐड। तो गाइज यहाँ से मैंने वो पिक्चर ले लिया, इस पर आपको टैप करना है, इस वाले ऑप्शन पर जाके इसको कर लेना है इस तरह से जूम, और इसको यहाँ पर कर लेना है इक्वल, और इसको जितना 30 सेकंड तक इसका ड्यूरेशन आपको कर लेना होगा। तो देखिए गाइज यहाँ से हम 30 सेकंड तक इसको कर लेते हैं। सो गाइज यहाँ पर 30 सेकंड हो गया। अब इसके बाद आपको क्या करना है, इस पर क्लिक करके कलर फिल्टर में जाना है गाइज, बेसिक में जाना है और 2002 वाला इस पर इफेक्ट ले लेना है। उसके बाद आपको लेयर में जाना है, इफेक्ट में जाना है, फिर उसके बाद आपको बेसिक इफेक्ट गॉसियन ब्लर पे आपको टैप करके इसको इस तरह से बड़ा कर लेना है, और सेटिंग में जाकर इसको आपको जितना भी स्ट्रेंथ रखना होगा ब्लर स्ट्रेंथ आप उतना रख लीजिए। तो गाइज यहाँ पर मैं 5 पे रखता हूँ, और इसको मैं आगे की तरफ मतलब स्लाइड कर लेता हूँ, फुल कर लेता हूँ। अब उसके बाद आपको गाइज इस पर फिर से बैकग्राउंड पे आपको टैप करना है, यहाँ पर जो विग्नेट है इसको ऑन कर लेना है, जिसके कारण साइड वाला एक ब्लैक आ जाएगा। उसके बाद गाइज आपने जो वेबसाइट से आपने जो पिक्चर को बनाया था उसको भी ऐड कर लेना है। तो लेयर में जाएंगे, मीडिया में जाएंगे, और उस पिक्चर को हम डाउनलोड हुआ पिक्चर को यहाँ पर कर लेते हैं ऐड। हो जाने के बाद गाइज इसको इस तरह से बड़ा कर लेना है, बड़ा करके इधर आपको मतलब कुछ जिधर भी आपको एडजस्ट करना है आप उधर इसको एडजस्ट कर लीजिएगा, और इसको क्या कर लेना है पूरा एंड तक आपको ले जाना है। उसके बाद आपको यहाँ पर गाइज अपने जो अभी एक लिरिक्स को आपने यहाँ पर मतलब एक्सपोर्ट किया था उसको यहाँ से हम ऐड कर लेंगे। तो लेयर में जाएंगे, मीडिया में जाएंगे, और उसको मैं यहाँ से एक्सपोर्ट पे एक्सपोर्ट करके मैंने रखा था। तो गाइज इसको इस पर आपको टैप करके इसको क्या करना है, क्रॉपिंग पे जाना है। इस तरह से इसको क्या करना है कि जो हमारा जो बेकार पार्ट है हम उसको क्रॉप कर लेते हैं। तो देखिए गाइज इस तरह से हम इसको मतलब जो अच्छा वाला पार्ट है उसको हम क्रॉप कर लिए, और जितना का जरूरी है हम उसको ले लेते हैं। और उसके बाद हम इसको कर लेते हैं बड़ा इस तरह से, और इस तरफ इसको क्या करना है ले आना है, और उसके बाद आपको आना होगा ब्लेंडिंग में, और ब्लेंडिंग में जाकर गाइज इसको कर लेना होगा आपको यहाँ पर कलर बर्न पे आपको क्लिक कर लेना। तो देखिए गाइज यहाँ पर साइड में इसका एक आ जाता है यहाँ पर, इसको हम और अच्छे से थोड़ा सा और क्रॉप कर लेते हैं साइड से। देखिए गाइज यहाँ पर क्रॉप कर लिए। अब उसके बाद यहाँ पर गाइज हम म्यूजिक वाले लेते हैं, तो हम लेयर में जाएंगे, मीडिया में जाएंगे, हम उस विजुअलाइजर को यहाँ से ऐड कर लेते हैं। तो देखिए गाइज विजुअलाइजर को हम ऐड करके इस पर टैप करके गाइज फिर से हम जाएंगे ब्लेंडिंग में, ब्लेंडिंग में जाकर इसको कर लेंगे स्क्रीन, फिर इस पर टैप करके गाइज आपको इसको क्रॉपिंग पे जाना है। और आपको ये ऊपर वाला चाहिए होगा तो आप रख लीजिएगा, नहीं चाहिए होगा तो इसको क्रॉप कर लीजिएगा। तो मैं इसको क्रॉप कर लेता हूँ, क्रॉप करके इस तरह से इसको बड़ा कर लेता हूँ, और बड़ा करके गाइज हम यहाँ पर इसको एडजस्ट कर लेते हैं। एडजस्ट हो जाने के बाद गाइज इस तरह से इसको भी आपको जितना बड़ा रखना होगा आप उतना एडजस्ट करके आप इसको यहाँ पर ले आइएगा। अब उसके बाद गाइज एक PNG का आपको एक लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। अब हम उसको भी यहाँ से हम ऐड कर लेंगे, फिर मीडिया में जाएंगे, मीडिया में जाकर हम उस PNG को यहाँ से कर लेते हैं ऐड। तो गाइज यहाँ से हम उस PNG को ऐड कर लिए हैप्पी बर्थडे वाला, और इस तरह से यहाँ पर इसको कर लेते हैं एडजस्ट। एडजस्ट करके गाइज इसको पूरा एंड तक ले जाएंगे, और पूरा एंड तक ले जाने के बाद गाइज एक चीज़ मैं बताना भूल ही गया, इस म्यूजिक का जो है कि एकदम म्यूजिक में कुछ नहीं है, तो यहाँ पर आप उसको म्यूजिक को आप यहाँ से ऐड करके मैच कर लीजिएगा। तो गाइज यहाँ से म्यूजिक को ऑडियो में जाएंगे, और यहाँ से उस म्यूजिक को ऐड कर लेंगे साल भर में सबसे प्यारा, इसको हम ऐड कर लेते हैं, और इसको हम प्लस करके इसको ऐड कर लेते। तो गाइज इसको यहाँ पर आप मैच कर लीजिएगा, मेरा पहले से मैच किया हुआ। तो गाइज हमारा जो है कि वीडियो ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है। अब उसके बाद यहाँ पर एक ओवरले डालेंगे, तो यहाँ पर हम फिर से लेयर में जाएंगे, मीडिया में जाएंगे, और ओवरले को हम यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। तो देखिए गाइस ये इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, आप वहाँ जाकर इसको भी डाउनलोड कर लीजिएगा। तो इस पर आपको टैप करके इसको फुल कर लेना है, और इस पर फिर से आपको टैप करके ब्लेंडिंग में जाना है, और यहाँ पर इसको कर लेना होगा लाइट 10। और अब मैं म्यूजिक को करता हूँ म्यूट, अब आपको वीडियो को प्ले करके दिखलाता हूँ कि हमारा वीडियो कैसा बना है। सो गाइज इस तरह का वीडियो आप किसी के भी पिक्चर पे आप बना सकते हैं, जिसको भी आपको हैप्पी बर्थडे विश करना हो आप उसका भी पिक्चर बना सकते हैं, अपना भी पिक्चर बना सकते हैं। तो गाइज ये ट्यूटोरियल वीडियो आपको कैसे लगी, ये ट्यूटोरियल वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। और गाइज हम इस तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोज हमेशा अपने इस चैनल पर लाते रहते हैं, तो अभी तक हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आने वाली हमारी सारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए गाइज मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज़।